नमस्कार, स्वागत है आपका हजारिया टाइम्स में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश की 5-6 जिलों के बारे में जिनमें कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की अब तक 81,000 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 46,800 लोग डिस्चार्ज भी हो गए हैं, मतलब कि ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं अपने ठीक होकर। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सक्रिय केसों की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के 32,650 सक्रिय केस हैं। मरने वालों की कोरोना से उत्तर प्रदेश में तो 1580 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है उत्तर प्रदेश में। हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा संक्रमित जिलों के बारे में, तो पहले मैं बताऊँगा कि कुल संक्रमित कितने हुए हैं। लखनऊ में 7600 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में 5000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कानपुर में 4700, वाराणसी में 2700, झांसी में 2210। अब हम बात करते हैं उन जिलों के बारे में जिनमें कोरोना के सबसे ज़्यादा सक्रिय केस हैं, और सक्रिय केस की असली कहर पर पाने के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि ठीक हो चुके मरीजों का हमें कोई दिक्कत नहीं रहती, उनसे कोई खतरा नहीं रहता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय केस हैं, तो मैं उन जिलों के बारे में बताता हूँ आपको। पहले नंबर पर तो लखनऊ ही है। लखनऊ में 4381 कोरोना के सक्रिय केस हैं। दूसरे नंबर पर है कानपुर। कानपुर में कोरोना के 2536 सक्रिय केस हैं। तीसरे नंबर पर है वाराणसी। वाराणसी में कोरोना के 1693 सक्रिय केस हैं। चौथे नंबर पर है बरेली। बरेली में कोरोना के 1330 सक्रिय केस हैं। चौथे नंबर पर है प्रयागराज। प्रयागराज में 1212 कोरोना के सक्रिय केस हैं। छठवें नंबर पर है गोरखपुर। गोरखपुर में 1045 कोरोना के सक्रिय केस हैं। और सातवें नंबर पर झांसी है। झांसी में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 1020 है। और मैं अपने ललितपुर ज़िले की भी बता देता, लेकिन ललितपुर ज़िले का मैंने जब डाटा चेक किया वेबसाइट पर, तो ललितपुर ज़िले में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 324 बताई गई, लेकिन डिस्चार्जों की संख्या सिर्फ 12 बताई गई है। और अपने यहाँ पर मैंने कई मैसेजों में देखा है कि 120 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो मैंने इसलिए बताना ठीक नहीं समझा। और मैंने जिस वेबसाइट पर देखा उसमें कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या ललितपुर में 308 बताई जा रही थी और मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही थी। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि ललितपुर की क्या स्थिति दिखाई उस वेबसाइट ने कोरोना की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।